जर्रा जर्रा से निकले वतन के लिए सरहद हिंद पर सर कलम कर चलो कश्मीर को पाकिस्तानियों अपनी औकात में रहो वरना जिस दिन हम अपनी औकात में आ जाएंगे तुम अपनी औकात भूल जाओगे। बिरहा में एजा एक लाइन कौवाली का मुखड़ा लगत बा प्रीतम अजी मैं शराबी नहीं पर पिए जा रहा मैं शराबी नहीं पर पिए जा रहा पी रहा हूं कि कुछ कम सवाल करते हैं अरे यार कौन सा दुख पड़ा है तुम्हारे ऊपर कि तू दारू का लत पकड़ लिया है। वो कहता है बता रहा हूं लेकिन जरा दिल थाम कर सुनना क्या बताता है। रखना अस्को बेकाबू मेरे दोस्तों रखना अस्को बेकाबू मेरे दोस्तों रखना अस्को बेकाबू मेरे दोस्तों वा कया सुन ये आंखें ना नम हो जाए तो वा कया सुन ये आंखें ना नम हो जाए लेकिन हिंदुस्तान के जवान फौजियों का कहना है उन पाकिस्तानियों से क्या कहना है ए तिरंगा अरे झुकाना सकोगे कभी याद रख लो ए तिरंगा अरे झुका ना सकोगे कभी हिंद का मान सम्मान और अभिमान है ये Okay.
पाकिस्तानी सिपाही हो आंधी अगर, हालांकि तुम हो नहीं फिर भी हम मानते हैं कि यदि तुम आंधी हो तो हमारे हिंदुस्तान के जवान फौजी क्या है, पाकिस्तानी सिपाही हो आधी अगर, पाकिस्तानी सिपाही हो आधी, हिंद का हर सिपाही भी तूफान है। से बिरहा का कहानी चालू हो गई प्रीतम, कैसे तारा हाथ दोस्ती कल कुर जब बढ़ाते हो, एक बार पापी तू घुस बैठ को कराते हो, बता दो आखिर क्या कराई, साफ बता दो आखिर क्या कराई, रूस अमेरिका या चीन के रहा, किसके दम पर बता दिया सी, मार खाते हो पर तू बाप से ना, राज पंजाब का ना भी शहर लुधी, मीरपुर गांव में बलवीर का घर, पत्नी माया संग लगे तो खेती, मदन थे बेटा सुखबीर, बेटा सुखबीर का उम्र 16 साल हुआ, बेटा सुखबीर का उम्र 16 साल हुआ, मैट्रिक प्रथम श्रेणी पास बिरहा के आप सबे बात समझ ली, पंजाब प्रांत लुधियाना शहर, गांव का नाम मीरपुर, मीरपुर गांव का रहे वाला बलबीर यादव और उनकर दुलहिन का नाम माया देवी, बलबीर और माया के बीच में एक ही बेटवा बा, जौना बेटवा का नाम बा सुखबीर यादव, सुखबीर यादव पढ़त बा, जब मैट्रिक पास कैले बा तो साथियों बताया गया पूरे विद्यालय का टॉपर स्टूडेंट बन करके निकला है, यानी पूरे स्टूडेंट में सबसे अधिक नंबर पाया है अपने स्कूल में, घरवा आइल बा माई बाबू बैठा के दुलरावत हन बचवा के सवाल करत हन, ए बेटा पढ़े में इतना तेज वाला बाबू, ई बतावा तू का बनबो, डीएम बनबो, कलेक्टर बनबो, डॉक्टर बनबो, या कि तू इंस्पेक्टर बनबो, चुप रह जा, उतना पढ़ा लिखा लेकिन के तू लोग कंडक्टर बना दे बा, अरे ओहो में बड़ा पैसा बा ये भैया, आय हाय हाय, तो अपने वाला के कहना बनाईता ये श्याम सुंदर भैया, अरे भाई छोटा बा ये बाबू, अच्छा अच्छा, तो देखे बेटवा अपना माई बाबू से बतावत बा कि हम का बनब, तनी सुना जा, एजा बिरह में एक लाइन थरे लग गेल प्रीतम मुन्ना, कवन थरे बा, बाबू से कह ले बा हम का बनब बाबू, तनिका सुन ल, नहीं बनब हम डीएम कलेक्टर, अरे नहीं बनब हम डीएम कलेक्टर, करब नया सरसाही हमारे बाबूजी, बनब हम तो सीमा के सिपाही,
बाबू कलन जिया लाल जिया माई छतिया धक बैठ गली आय हो करे जा एक ही हमारा खिया का तारा हुआ। बाबू कहना चुप रहा भी बाबू पूछा थोन बेटवा से सुखबीर यादव से बेटा का करबे फौजी बन के तो ऊ बतावत बा का बतावे पहरा देबे पहरू बन के चाइब बर्बादी से इतना नहीं बाबू एक बात और सुन लो। अरे वतन सुरक्षा फर्ज हमारा, अरे वतन सुरक्षा फर्ज हमारा, मानती नहीं तबाही हमारे बाबूजी बनब हम तो सीमा के सीमा। बाबू माई कलन ठीक हो जवन तहार मन करे तवने करो। ए बाबू सुखबीर यादव रियाज करे लगल दौड़े धूपे लगल एक दिन खुली बहाली अटेंड किया है और बहाल हो गया फौजी बन जाता है। और जो फौज का जवान हो गया साथियों आर्मी का जवान हो गया सुखबीर यादव ट्रेनिंग पास किया है, ट्रेनिंग करने के बाद ड्यूटी करने लगा यानी कि 9 महीना के बाद एक खबरी घर आई। बाबू माई कहलन ऐसे बढ़िया अब सुतार न लगी आ जब बचवा आइले बा तो एकर हाथ पीला खदा बिरादरी के लैकी देख के जौना का नाम सीमा रहल सीमा से सुखबीर का ब्याह हो गया बा। सुखबीर यादव शादी विवाह करके कुछ दिन घर पे बिताया है इसके बाद पुनः नौकरी करने चला गया। नौकरी करने लगा कुछ दिन नौकरी करने के बाद पुनः छुट्टी लिया है घर पे आया आज जब घर में आई तो ए भैया वही पीरियड में वो अपन खेला खेल गई मार देला छक्का छक्का दुलही लगल बीचे से मोटाए दे बहुत समय है मतलब गर्भवती हो गई। अच्छा गर्भवती हो गई फौजी जवान पुनः चला गया नौकरी करने। जब सीमा का गर्भ 7 महीना का भयल बा उ फौजी जवान सुखबीर यादव अपनी दुल्हन की देखरेख में पुनः आया है। 7 रात गुजरले बा 8वीं दिन रतिया के बतियावत है ए रानी ए गर्भ से चाहे बचवा होई चाहे बचिया होई ओकर नाम हम ही रखब। दुलहिन बहुत खुश बे बहुत खुश बे। सुबह हुआ अपने साथियों के साथ सुखबीर यादव निकल जाता है घूमने के लिए घूमत घूमत आइल बा दोपहर में। और जब दोपहर में सुखबीर यादव आया है घर पे तो एक सरहदे इनसे तार आया है संदेश आइल बा आज जवान सुखबीर यादव तुम्हारी छुट्टी रद्द की जाती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान पे चढ़ाई किए हैं। अरे बाप रे बाप जब इतनी बतिया सुन ले बा सुखबीर हो कलश हमार जिंदगी धन्य हो गई। चला है जवान बात वो समय कबा हो बाबू जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने पहली बार सन 1965 में खड़ा हुआ लगी है सन 1965 की लड़ाई। चला है जवान माई से विदाई लेत बा बाबू से विदाई लेत बा अपनी दुलहिया से विदाई ले और कहे देख रे सीमा आंख में आंसू न आवे ऐसे कि तू एगो जबाज फौजी का मेहरारू बाड़ी। सीमवा कलस की कौनो ऐसा बात नहीं खेल राजा लेकिन हेने ना देखबा पेटवा वरी देखावत बे फौजी कलस की एकर मतलब कलस की हमरा होखे वाला बचवा बचेन के तनी रउआ नमवा बताइले जेती फौजी कलस पगला गइलू
अरे लड़ाई पर से वापस आई तो नाम रखम न रे। सीमा कहलस की ए साहब लड़ाई कोनो ठीक बा, 2 महीना चले की 5 महीना चले की 5 दिन चले, इतने नहीं हो साहब। जे लड़ाई का मैदान में जाला ना साहब, ओ फौजी जवान के जान का कीमत एगो गोली का कीमत का बराबर हो जाला। भगवान ना करे दुश्मन का गोली आपका सीना छेद के पार कह जा, लेकिन ए साहब हमरा बचवा बचियन का नमवा बतेले देती ना तो कुछ ऐसा शायद हो जाई तो हम शाम से जी लेती। फौजी के दुल्हन का बतिया बड़ा निमन लगल, कहलस ठीक है मैं अपने बच्चों का नामकरण करके जाता हूँ। नाम का बतावे मास्टर, बिरहा में तरज बदल गिल प्रीतम भैया। फिल्म का नाम मुगले आजम। कौनो आशिक अपनी मासुका से कहे ए हो इल्लू इल्लू खचाई जाइबा, प्रेमिका कहती है पिटा जाइबा धनंजय भाई समर के रहनी। अच्छा तो उ कलस की देख हमें मरैला पिटैला का डर नहीं लगत। उ बतावा था जब प्यारे किया तो डरना क्या, लेकिन बाहर आज का गावे वाला आज का लिखे वाला आज का प्यार करे वाला आज का आशिक था उपेंद्र भाई मती कि तहरा प्यार में खाचाइल बानी घर से ससुरा भोकास पार था। वो भोकास पार के कहा था कि अभी तो आओ नहीं तो बाबू खचले हुए। का कहा था तहरा प्यार में घर से अमिलत नहीं खी पपवा के डर से। उपेंद्र भैया बाबू ना कहा था पपवा कहा था वहां बनले हुआ घर में, लेकिन आज भी सच्चे आशिक जो सच्चे मन से प्यार करते हैं वो आज भी प्यार में मरने जीने की कसमें खाया करते हैं। हमारे माते नासिक है प्यारे किया तो डरना क्या, ए रानी बबुआ अरे तोह से चेता के बतिया कहीं हो रानी बबुआ के नमवा भारत रही। ए रानी अगर बाई देवे दुश्मन का गोली हमरा सीना के छेद के पार कर जाई और हम नहीं आएंगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है अपनी जिम्मेवारी पूरी कर देना। कौन जिम्मेवारी? अरे बिटिया हो ही तदी हर गोली में चढ़ा, बिटिया हो ही तदी हर गोली में चढ़ा, तभी हम फौजी बनाई हो फौजी तैयार अवलाद फवलाद फौजी कहाई, तैयार अवलाद फवलाद फौजी कहाई, अरे कोई कबतिया ना ही सही हो रानी बबुआ के नमवा भार।
चल दिया। जब फौजी जवान चल दिल सो बाबू तहवा एक लाइन बिरहा में गोड़ऊ गीत लग गई मास्टर साहब तनी पर्दा बढ़ा के देदा चला है आज जवान सुखबीर यादव 20 साथियों के साथ आज हम सीमावा पर लड़ाई लगल हो लड़ाई के मैदान वाली कभी जी बात लिख दे बड़ी पुरानी गीत लगे मास्टर साहब वह तरजबा अरे लगा दे आग पान पाकिस्तानी दुश्मन से गोली बारूद चले लगल तौनी समय कभी जब बिरहा में बात लिखल दीवाना अरे देश के खातिर दीवाना देश के खातिर रखले सब खून की हो खेले
नतीजा ही निकलल हो बाबू। 20 जवान में 10 जवान शहादत को प्राप्त हुए। जब 10 जवान वीर गति के प्राप्त हो गईलन हो बाबू, 10 जवान बचल वालन, 10 जवान में संजोग देखे सुखबीर यादव भी बचा हुआ है। रात दिन बॉर्डर सुरक्षा में लोग पहरा दे रहे हैं। एक दिन वहां सुखबीर यादव एगो छोटी सा चूक कर गई लग, हिंदुस्तान का सीमा पार किए और पाकिस्तान के सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। साले पाकिस्तानी फौजी घात लगाए बैठे हुए थे, गिरफ्तार कर लिए सुखबीर यादव को। और जब गिरफ्तार कर लिए हैं, मार मार करके कहते हैं एक बात, केवल एक बात अपनी जुबान से बोल दे सुखबीर यादव, हम लोग तुम्हें सदा के लिए रिहा कर देंगे। कौन सी बात उगलवाना चाहते हैं पाकिस्तानी, बस यही कहते हैं कि एक बार अपनी जुबान से बोल, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुखबीर यादव गरज पड़ा और साले शरीर से खून का एक एक बूंद निचोड़ लो, शरीर का एक एक बोटी कर डालो। लेकिन जानते हो शरीर के एक एक बोटी से आवाज आएगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तानी आग बबूला हो गए वो, ए हालत है। मार मार के बेहाल कर दलन हो बाबू, बेहाल कैला के बाद ओ पाकिस्तानी फौजी सुखबीर यादव को, हिंदुस्तानी फौजी को घुसपैठियों के हवाले कर दिए। यहर घुसपैठी अपने अंडर में ले लिए सुखबीर यादव को। सीमा पर सुखबीर यादव को खोजाई होके, आज जब 9 महीना का गर्भ पूरा भइल बा तो घरवा सीमा एगो सुंदर सलोना बेटवा के जन्म देले बे। जब बेटा के जन्म देले बे सीमा, तो ए भैया खुशी दोहरी हो, सीमा पर सैया जीतल हवन, संदेश आइल हो, आ घरे लैका भयल हो। एकरी खुशी में जन्म से लेके बरही तक सोहर गवाए लगल बधाई बजत बा। कैसे गवाए मास्टर, विराह में तर्ज बदल गई। सोहर गवात हो, छठी बीत गईल, छठी का एक दिन बाद 7वां दिना यहर हिंदुस्तान का बॉर्डर पर हिंदुस्तान का आर्मी का जवान खोजत खोजत जब सुखबीर यादव के थक गईलन, तब भैया हो सुखबीर यादव के मृत घोषित कर दिया गई। 5 जवान आते हैं घर पे सुखबीर यादव का दरवाजा पर पहुंच के, और संजोग से सुखबीर के बाबू बलबीर यादव से पूछे कि ए बाबू बलबीर यादव के घर केहर पड़ी। बलबीर यादव मछिया पर ताव देते हो, कहते हम ही है बलबीर यादव, हमारा लड़का फौजी हो कर नाम है सुखबीर यादव। अच्छा तो तू लोग विजय श्री का खुशी बतावे हमारा यहाँ आये हो जाना, ये बतावे जा हमारे बचवा कही आई है। 5ों फौजी कहना सन बाबूजी बतावे के तो बताई दे, लेकिन तनिका सीमा बहनी से भेंट करा देती, हम उनका से कुछ विशेष बात करे आई बनी जा। अच्छा खूब हंसी खुशी बलबीर यादव लेके गईलन सीमा के बात कर थोलो, सीमावा बेटा के जन्म दिले बा, बेटा के हमरे बेटवा का बेटा भयल बा।
अच्छा तो सीमा जब खबर को पाई है दौड़ती हुई आई है, खुशी का ठिकाना ना भैया, आप लोग आ गई ला, हमार रजऊ ना आई ला ना कही आई हम, अरे हमार बचवा बहन बचवा न मामा भारते रख ले हमार बचवा ना एकदम हमारा सैया पर गई बा, लेकिन हमार रजऊ हमारा बचवा के देखे कही आई हन, पांचों फौजी झरझर झरझर रोने लगे, अखिया से आंसू गिरे लगल हो बाबू। एक फौजी हिम्मत बांध के आधवा जोर के निवेदन करत बा, ए बहनी सीमा भैया सुखबीर यादव अब तारा बचवा के देखे कबू नायन। लोग सवाल किए क्यों क्यों नहीं आएंगे, फौजी रो कर कहता है बहनी बहनी भैया जितलो ठीक मैं, लेकिन पता ना एक दिन कहाँ चल गई लन, बड़ी खोजली जा ऊ मिलना ना, तो साफ संदेश दे के भेजले बालन की जाके बता दिया लो कि सुखबीर सीमा पर शहीद हो गई लन। हालांकि ये बहनी उनकर लसिया कहता पता ना चलल। सीमा जब इतनी बतिया सुन ले बा हो बाबू, इतनी बतिया सुन ले बा अपना बचवा का सुरतिया देखत में, एक बारी फौजी इंक्वायरी तकला से करी बाद अपना बचवा के देखलस त तकते रह गई। अरे बाबू बलबीर यादव जब ही खबरिया पौलन हो बाबू, एक बारी मूर्छा खा के गिर गई लन, माई माया देवी छतिया धुन धुन के रोवे, अखिया के कही तारा रहल वो बड़ी दूर चल गई। सीमा ताकत बे कोनो बुजुर्ग आवाज देलन का देखले बलड़ो, सब कोई रोइबे धोइबे करबा, ओ पगली का मंगिया का सिनुरवा धो दलो, आहा थवा कचुरिया फोड़ दलो। अरे इतनी बतिया जब सीमा सुन ले बहो, डांट कर बोल पड़ी सीमा, डांट कर बोल पड़ी सीमा, नहीं नहीं कौन कहता है कि मैं मांग का सिंदूर धो दूं, हाथ का चूरी फोड़ दूं, नहीं हमारे पतिदेव मारे नहीं गए हैं, गौवा को लोगवा कलन दिखाई बहु रहिया पगलाई गई। गांव के लोग रो रो करके अपने अपने घर को चले गए। सीमा के एगो बात याद बा, सैया जाए के बेरी कहले रलन, औलाद फौलाद फौजी कहाई, यदि मैं नहीं आऊंगा तो मेरे बेटे को फौजी बना देना, पति के दीहल जुबान याद हो बेटे को पालना पोसना शुरू कर देती है, न तेरे ही कैलस न मंगिया का सिंदूरवा धोलस न हतवा का चुरिया फरोलस, आखिरकार बेटे को पाल पोस करके जवान बना देती है, बेटा फौजी बन गई, ट्रेनिंग पास करके ड्यूटी ज्वाइन करे चलल बा। जब भारत यादव माई के सैल्यूट मारल चाहत हम, माई बहिया पकड़ के नीचे कदलस कलस नीचे कर बेटा, अब आई तू सैल्यूट मारे जो नहीं खे बदल। भारत यादव माई सीमा देवी से पूछे, माई रे कहा है काहे कमन कमी हो गई, तू आई नाम के फौजी बनौलू तो ए मतारी का कमी कदली, कलस बेटवा जानत हुए तू हमसे बार बार पूछत रहे ना रे बेटा कि ए माई मंगिया में सेनुरा पहने ली, लेकिन बाबू के कबो आज तक हम देख ली नहीं, बाबू कहवा हुआ, माँ बताती है बेटा जा, तू जहां जा रहा है ना तुहरा जन्म से पहले तुहार बाबू वही कारगिल में गईलन, पाकिस्तानियन से सन 1965 का लड़ाई लड़ गईलन, जीतल रहलन संदेश भी आई रहल, लेकिन ए बेटवा तोर बाबू अइलन नहीं, भारत सरकार तोरा बाबू के मृत घोषित कर दिलस, पांच गो फौजी संदेश लेके आई रहलन, हमार दिलवा ना कहला हो लाल की तार बाबू मरल हुन, जा तरह न बेटा सच्चाई का पता लगा के आई बना तब ना दीना, अगर तार बाबू मरल हुयन तब मांग का सिंदूर धोले, आ नहीं तार बाबू कहीं हुयन जिंदा हुयन तब मंगिया के सेनुरा लाल के दे, आ ए लाल ओ दीना हमरा के आके तू सैल्यूट मार ली रे बेटा। इतनी बात जब बचवा सुनलस कलस ठीक बा माई, जा तरी रे माई हम ओ दीना आई जा दीना बाबू का पता लगा ले। गौर करना साथियों, जवान चल दिया नौकरी करने लगा, नौकरी पर नौकरी, तबादला पर तबादला, पोस्टिंग पर पोस्टिंग कराता रहा,
आखिरकार भारत यादव सुबेदार मेजर का पोस्ट पाया है, सर्विस केवल 3 साल बाकी है, पूरी जिंदगी की सर्विस 3 साल बाकी है। एक दिन बैठ के लो वक्त बाप, मैं एक सवाल करे ले बेटा रे, तोर बाबू ना मिलन तो आज निक नहीं खेला, अगर बाबू ना मिलियन तो यही सर्विस राइफल से मारब गोली और यही जे शहीद हो जाए, बमऊ माइक के बनऊ चेहरा दिखावे न जाए। तब तक से इसे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कहेंगे या उस भारत फौजी का सौभाग्य कहेंगे। लग गई लड़ाई 1999 की, जब हिंदुस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब 1999 में पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो ओ साला कुत्ता खमीना पीठ में खंजर चुभाने का काम किया। लगल बा लड़ाई 1999 कहो बाबू तो हमरे हिंदुस्तान के जवाब सपूत सज करके कारगिल में चले तो पसीन जवानों की टोली लेकर के सुबेदार मेजर भारत फौजी चला है। कहा चलन प्रीतम बिरह शैली में भाव लग गए। बनना छुटी इस ससुरा दोगला हुआ सन, दोगले ना धनंजय भैया लतौर भी हुआ सन, इलाद खाला सन लेकिन फिर भी माने ल सन ना। यही से फौजी जवान कह चलन का कह चलन कि अरे दोगलवा के दोगल बनना छुटी तरसी चल जाई तो बना यही ठन हिंदू मुस्लिम के नाम पे तू, हिंदू मुस्लिम के नाम पे तू पापी घुसपैठ कराते हो, भाई भाई का कत्ल करे बोलो आखिर क्या पाते हो। गर तेरा हिंदुस्तान है तो, गर तेरा हिंदुस्तान है तो क्या मेरा पाकिस्तान नहीं, जरा आंख उठा कर देखो तो भारत में मुसलमान नहीं। अबे साले तुम मुसलमान होने का ढोंग करते हो, क्या तुम्हारे मुसलमान भाई हमारे हिंदुस्तान में नहीं है? तुम्हारे मुसलमान भाई हमारे हिंदुस्तान में है। हम हिंदुस्तानी उन मुसलमानों के ईद मुहर्रम में शरीक होते हैं तो ओ मुसलमान भाई हमारे होली और दीपावली में शरीक होते हैं, फिर भी तुम अपनी आदत से बाज नहीं आते हो तो एक बात कान खोल करके सुन लो, क्या भूल गए 1965 को? क्या भूल गए 1965 को? तो बोलो याद दिला दूंगा, प्रतिशोध की ज्वाला भर की तो नक्शा से तुम्हें मिटा दूंगा। ए सार मारव जहां सैलत है चल जीबा, हाँ अपनी औकात में रहा। हमरे हिंदुस्तान के जवाब फौजी ललकारते हुए चले हैं, जब लड़ाई लगल है प्रीतम बाबू तो एजा तनी बिरहवा चढ़ गई, बिरहा में चौलरिया वाले गीत लग गई। कमर लचकलिया गोरी खींचनी हुरी
मैं घुस बैठी कैले कर दी ला मैं घुस बैठी जब तूफानवा हो जवानवा भिड़ बांधी कफनवा भैया हो 25 जवान में से 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। एकर कारण डाल हो भैया 1999 का लड़ाई सब कोई अपना आंखी से देखले हुई, रेडियो द्वारा सुनले हुई, पेपर द्वारा लोग पढ़ल कि घुसपैठी पहले से अपना बंकर बना करके छुपे हुए थे और हिंदुस्तान के फौजी नीचे से चढ़ाई कर रहे थे। इसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा। कौन ऐसन जिला ना रहल हुई हो बाबू कि सन 1999 के लड़ाई में एगो दुगो फौजिन का लाश ना आयल हुई। 20 जवान मारे गए, 5 जवान बच गए, 5 जवान में देखें भारत फौजी भी बचा हुआ है। तिरंगा झंडा फहरावत हुआ पहाड़ को ऊंचाई वाली चोटी पर तो कभी जी बिरहा में आला में भाव लिखलन। पांचों जवान तिरंगा झंडा फहरावत बाड़न हो भैया। ई बतिया 10 ठौरन के बढ़िया नहीं खेलगत, उ 10 गो के बा बगल वाली पहाड़ी के खाई में अभिन भी 10 घुस बैठी बंकर बना करके छुपे हुए थे। उ 10 घुस बैठियन में एक आदमी और बा, उ कोई और नहीं बा हो भैया,
बल्कि सन 1965 का लापता फौजी सुखबीर यादव रहे। पाकिस्तानी घुसपैठी अपने साथ उनको क्यों लाए थे, तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों, इसलिए लाए थे कि जब हम लोगों का सर्वसर नहीं चलेगा तो इस हिंदुस्तानी फौजी को ब्लैकमेल करेंगे, और ब्लैकमेल करने भी लगे। अरे सुखबीर यादव, तुम्हारी जान अभी भी बच सकती है, तुम अभी भी अपने बीवी बच्चों में जा सकते हो, इसके बदले में तुमको एक काम करना होगा। ये बम का झोला है, इसमें बम है, ये बम रिमोट पे चलता है, और वो पांचों फौजी जो तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं ना, ले जाओ उन पांचों फौजियों के बीच में रख देना, और तुम चले जाना अपने वतन को। हम लोग यहां से रिमोट दबाएंगे और उन पांचों फौजियों के चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। बूढ़ा फौजी सुखबीर यादव डांट कर बोला, अबे कमीनो, अबे कमीनो, तुम लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, अभी भी हिंदुस्तान के प्रति मेरे जिगर में गद्दारी नहीं है। और रही बात उन पांचों फौजियों के बीच में बम रखने की, तो जानते हो वो पांचों फौजी कौन है? वो पांचों फौजी हमारे अपने बेटे हैं, जिगर के टुकड़े हैं। अरे बाप रे बाप, वो फौजी के कहां पता बाप कि जेके बेटा का बनी, वो फौजी में हमरो बेटा बा। अनायास मुंह से आवाज निकल पड़ल, हो भैया घुस बैठी बोले, नहीं ले जाओगे तो साले भाग भाग, देखते हैं तुम्हारे पांचों फौजी बेटा तुम्हें बचा लेते हैं। सुखबीर यादव को भगा दिए, और भगा करके एक घुसपैठी निशाना लगा करके गोली दाग दिया, लेकिन चूक गई निशानवा, हो भैया वो गोलिया आके एक कंधा पर लागल बा। तो साथियों, किसी ने सत्य ही कहा है, जाको राखे साया मार सके ना खोए, बाल नबा का कर सके जो जग बैरी होए। अरे यारो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बच गया सुखबीर यादव, गोली की तड़ताहट सुनकर पांचों जवान पोजीशन बना लिया, ठन गई लड़ाई दोबारा। एक घंटा लड़ाई चलने के बाद नतीजा रहा, 200 घुसपैठी, एक घंटा लड़ाई चलने के बाद नतीजा रहा, 200 घुसपैठी मारे गए। जब गोली की आवाज शांत होती है तो उस शांति को भंग करती हुई घाटी से एक आवाज आती है, आ हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहता हुआ वो आवाज रुक जाती है, पांचों जवान दौड़ते हुए गए झाड़ी में, लगता है अभी हमारा कोई साथी फंसा हुआ है। आगे आगे भारत यादव पहुंचल, देखलस की एगो बूढ़ हिंदुस्तानी फौजी खून से लहू लुहान करा रहा है। उठा लिया गोद में, कलस बाबू बाबू कामनी के खून का गर्मी कम हो गई, कलम साहब तो के लड़ाई के मैदान में उम्र में भेज दलन हो साहब। पूरा फौजी हाथ जोड़ कर रो रहा है, नहीं बेटा मैं लड़ाई के मैदान में आज नहीं आया हूँ, लड़ाई के मैदान में सन 1965 में आया था, लड़ाई किया जीत भी गया, लेकिन एक चूक का दलील हो बेटा, पहरा देवे में एगो गलती कैलिन, हिंदुस्तान का बॉर्डर छोड़ के पाकिस्तान का सीमा में प्रवेश कर गईली, पाकिस्तानी हमके गिरफ्तार कर लन हो बेटा, और गिरफ्तार करके घुसपैठियों के हवाले कर दिए,
तब से लेके आज तक पाकिस्तान में रली, लेकिन कुछ दिन पहले हो बेटा जब ए पापी घुसपैठ किए तो हमको अपने साथ में लेकर के आए। मैं तो मकसद नहीं समझ पाया, लेकिन आज हो लाल जब तू लोग तिरंगा झंडा फहरावत रहा जाना, ई पपिया हमसे कहलन सन कि ऐ सुखबीर यादव बम का झोला ले जा करके उन पांचों फौजियों के बीच में रख दो और हम लोग रिमोट दबाएंगे, पांचों फौजियों के चीतड़े चीतड़े उड़ जाएंगे। ए लाल जब बमवा का झोरवा तू लोग का बिछवा में नहीं रखलिन हो बेटा, तो ई घुसपैठिया हमके दौड़ा के गोली मार देलन हो बेटा। भारत यादव कहा बाबू तू सन 1965 का लापता फौजी हुआ। मने मने सोचा था कि लगा था कि है हमार बाबू मन, लेकिन पुनः सोच जाता है ना, कई गो फौजी ना भुलाई लोयन। फिर मनवा कहा था भारत पूछ ले कि इनकर गांव कहाँ है। भारत सवाल करता है बाबू, ए बाबू तार नाव कहाँ, तार गांव कहाँ बा। बूढ़ा फौजी जर्जर जर्जर रो रहा है, बताता है बेटा हमार नाम सुखबीर यादव बा, हमार गांव पंजाब प्रांत लुधियाना शहर के बगल में मीरपुर बा, मीरपुर गांव का रहने वाला हूं बेटा। ए बेटा हम मीरपुर गांव का रहने वाला है। भारत खालस तब था बाबू हमरे गुआ का पता बताओ थो ना। एक सवाल किया बाबू, जब तू लड़ाई का मैदान में इला तका तारा घरवा तार समाचार ले वाला कोई ना रहल, कोई तार पता ना लगावल बाबू। बूढ़ा फौजी रो पड़ा बिलक पड़ा, छतिया पर मुका मार के कहला से बेटा अरे ये बतिया नहीं पूछ ले रहता तो बढ़िया रही थी। ए लाल जब हम लड़ाई का मैदान में आई रही ना तामरा घरवा हमार माई रही, हमार बाबू रलन, हमार एगो सुंदर सुशील दुलैन सी मरल, आवे के बेरिया ना हमरा दुलैन को पेट में बच्चा पलत रहा सन हो बेटा, पता ना बेटा भाई की बेटी। लेकिन बाबू हो जाना तारा हम अपना बचवा बचियन का नाम रख के आई लली, हमार बेटी बैल हुई ना तो हमार दुलैन सीमा हमारा बचिया का नाम भारती रख ले हुई, अब बेटा बैल हुई ना तो हमार दुलैन हमारा बबुआ का नाम भारत रख ले हुई। अरे बेटा जाने लो पाकिस्तान के जिलवा में दिनवा कैसे कटनी हो लाल, यही अंगुरिया पर दिनवा गिनी लो बेटा, यही अंगुरिया पर दिनवा गिन बिता देली अपन जिंदगी। जानेला हमार बेटा भइल होई ना, हमार बेटा भइल होई तो ठीक, थोरा जैसन जवान फौजी भइल होई थोरे बराबर भइल होई। अरे बाप रे बाप करे जावा बिहर गए भारत फौजी का, सीने से लगा लिया बाप को कलश भइल ना होई हो बाबू। हमही उतार अभागा भारत ही जन्मली तबले माई खाली तोहार भीरताई का बखान सुना सुना के हमके जवान कैलस। आज मुलाकात भइल त ये मोड़ पर बाबू, चलन घरे घरे चलन, माई माई तोहार रास्ता देखे ले, माई तोके दो हफ्ता पर तीन हफ्ता पर पूछे ले बाबू घरवा चलन। चारों से जवान रो रहे हैं बा भाप बेटा का मिलन कौनी मोड़ पर भलवा हो बाबू। अच्छा तो साहब से छुट्टी लेकर के इलाज करा करके घर पहुंचा है, माई का पथराई लखिया से जर 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 नीर बरसत बा। माई बेटवा के देखत में बेटवा से कहे है बेटा अरे भगवान दुनिया में कोई के औलाद दो तो तहरा जैसन हो लाल। लेकिन भारत यादव हाथ जोड़कर अपनी माँ से कहता है नहीं माँ, अगर भगवान दुनिया में कोई के मतारी दो तो तुहरा जैसा सा। का कहले बा तारा
मिलनवा आ पूरा परिवार के दम पर से नयनवा बिरहाक कहानी समाप्त भेल। यही से हमरा बिरहाक शीर्षक रहल वतन का दीवाना। आखिरी भाव में खानदान का परिचय देते हुए कवि का कहना है, तत्व छह वर्ष नंदन काशी बुल्लू रणधीर लिखे कवि सुरेंद्र यादव कहे शिव मंगल बलबीर।